एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था, डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वो बच्चे इतने प्रसन्न थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो, अब उन्हें और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह देख बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था? आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती हैं जो कि नदी में कपड़े धो रही थी और आकर कहती हैं, चलो बच्चों अब शाम हो गई इसलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वो सारे बच्चे अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगे। वो सारे खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, उनमें से अब किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद वो बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मस्ती मजाक करते हुए वहाँ से चले गए। जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था कि ये घर उनके हैं, तो उन बच्चों के बीच लड़ाइयाँ भी हो रही थी, उनकी मित्रता भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो गया और उन्होंने खुद ही कूद कूद कर उन्हें तोड़ा और खेलते कूदते अपने घर चले गए। इस घटना को बुद्ध और उनके शिष्य पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा, तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिख गया कि यहाँ मरना है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी जिसमें वो कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मुक्त हो। ये तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो, ये तो बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो। लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंततः टूट ही जाते हैं, ये भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर यह भय भी बैठा हुआ था कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है, उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा भय सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जीवन भी ऐसा ही है, वो सारी चीज़ें जिनके लिए तुम डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वो सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे हो, और यह सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीज़ों और लोगों को तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो बस तुम्हारा भ्रम है। और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम हर रोज टूटता है, तुम्हारा भी टूटेगा, बुद्ध ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। सबसे जरूरी बात, यह जीवन एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस हाथ आए अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं या फिर एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, और एक ना एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इस नज़रिए के साथ इस जीवन को देख पाए, तो दुनिया की कोई भी परेशानी कोई सा भी दुख आपको अशांत और परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को ना देखना। सत्य क्या है? कि खुशी और आनंद हमारे ही भीतर हैं, लेकिन हम उसे बाहर की चीज़ों
और दूसरे लोगों में खोजते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य क्या है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो अभी हमारे पास है। सत्य क्या है कि खुशी कुछ करने या पाने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। सत्य क्या है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस इसीलिए मन अशांत है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना एक चुनाव है और फिर धीरे धीरे ये चुनाव हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर आप भी हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो इसके सीक्रेट्स को जानने के लिए आप कुकू एफएम पर द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम को डाउनलोड करके आप अलग अलग फील्ड की हजारों किताबों, सैकड़ों सेल्फ हेल्प कोर्सेस, महान लोगों की बायोग्राफीज, स्टोरीज इत्यादि को ऑडियो फॉर्म में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, वो भी घर के किसी भी काम को करते वक्त। अभी इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है 50% का डिस्काउंट, यानी कि पूरे साल भर के लिए आपको पे करने होंगे 399 की बजाय सिर्फ 199 रुपीस, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों को ही मिल पाता है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी।